अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ है रेडमी 10 का दोस्तों फुल रिव्यू। मैं आपको तकरीबन ये मोबाइल फ़ोन जो है दोस्तों तकरीबन मैं एक डेढ़ हफ्ते तकरीबन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तकरीबन 10 से 12 दिन आप कह सकते हैं। तो 10 से 12 दिन के अंदर मैंने इस मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या क्या चीज़ें देखी है वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे फुल डिस्कस करूँगा। तो इसका रिव्यू आपको दूंगा, तमाम चीज़ें आपको बताऊँगा, हर चीज़ आपसे आज की वीडियो में आपको बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को मेक श्योर कीजिएगा, लाजमी एंड तक देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों रेडमी 10 की सबसे पहले अगर आपसे बिल्ड क्वालिटी को लेकर बात करूँ दोस्तों, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों सीरियसली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। अब इसके पीछे दोस्तों अच्छी लगने के पीछे दोस्तों क्या रीज़न है, क्योंकि इसका जो बिल्ड क्वालिटी का जो दोस्तों जो डिज़ाइन है और जो इसका जो स्टफ़ है ना दोस्तों जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल है। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों आपको कुछ प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बॉडी ही आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन जो इसके अंदर प्लास्टिक जो इस्तेमाल किया गया ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा एक फाइन क्वालिटी का जो है वो प्लास्टिक लगाया गया है। यानी कहीं से भी देखने में ये मोबाइल फ़ोन आपको देखने में ऐसा नहीं लगेगा कि ये मोबाइल फोन या 30 से 35,000 रुपए की डिवाइस है। इसकी जो फील है दोस्तों वो बहुत ज्यादा महंगी डिवाइसेस वाली फील है। प्लस दोस्तों इसके अंदर मैट फिनिशिंग आती है जिसकी वजह से आपको जो फिंगरप्रिंट के जो निशानात होते हैं वो इसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हाँ ये है कि आपको प्रोटेक्शन के लिए कुछ केस वगैरह या पाउच वगैरह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल इसके साथ इसका जो अपना सिलिकन केस है दोस्तों वो भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों वो मुझे सीरियसली दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। और मज़ीद दोस्तों इसके अंदर फीचर की बात करूँ दोस्तों, तो नीचे की तरफ आपको एक टाइप सी की पोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट, साथ में आपको एक हमारा माइक देखने को मिल जाता है, साथ में स्पीकर ग्रिल्स है दोस्तों। साइड पर दोस्तों हमें कुछ फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि पावर बटन का भी काम करता है, प्लस दोस्तों इसके अंदर वॉल्यूम रॉकर की, और ऊपर की तरफ दोस्तों आपसे बात करूँ तो ऊपर की तरफ दोस्तों एक हमें IR ब्लास्टर जो कि रेडमी की पहचान है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें एक स्पीकर देखने को मिल जाता है और एक 3.5 mm का ऑडियो जैक है, और हमें एक डुअल सिम कार्ड और प्लस एक मेमोरी कार्ड की हमें ट्रिपल स्लॉट जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो जो ये दोस्तों इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि इसके अंदर आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड जो है इंसर्ट कर सकते हैं। और प्लस दोस्तों इसके अंदर एक ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि इसके अंदर आपको इस प्राइस के अंदर आपको स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि इस प्राइस के अंदर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। स्क्रीन को लेकर बात करूँ दोस्तों तो इसके अंदर आपको कुछ 6.5 इंचज़ का एक आपको बड़ा IPS पैनल आपको देखने को मिल जाता है जो कि हम 1080 पिक्सल के ऊपर वर्क करता हुआ नजर आता है। साथ में दोस्तों ये जो डिस्प्ले है ना दोस्तों ये आपको कुछ 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से दोस्तों इसकी जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। डिस्प्ले के कलर्स की आपसे बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छे कलर लगे, शार्प कलर लगे, बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे सुपर लेमिनेट के कलर होते हैं दोस्तों, वैसे ही आपको कलर्स की कहले की स्कीम आपको देखने को मिल जाती है। काफ़ी ज़्यादा शार्प कलर है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर है, और जो सैचुरेशन से कलर की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको मेरे टक का हीलियो G88 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो गेमिंग की जो परफॉर्मेंस है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। पबजी आपको कुछ ये 40 FPS पे आपको पबजी का जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड कर देगा, और गेमिंग से मैंने करके देखी, गेमिंग का भी मज़ा जो है वो ठीक ठाक निकल कर आता है। तो गेमिंग के अंदर भी ये मोबाइल फ़ोन दोस्तों आपको एक अच्छी डिवाइस है, आपके लिए इस प्राइस कैटेगरी के अंदर एक अच्छी ऑप्शन निकल कर हो सकती है। रैम रोम वेरिएंट की दोस्तों आपसे बात करूँ तो इसके अंदर हमें कुछ 4 GB रैम और 128 GB का वेरियंट और 6 GB रैम और 128 GB का वेरियंट हमें देखने को मिल जाता है। जो मेरे पास वेरियंट है वो 6 GB 128 GB वाला वेरियंट है दोस्तों, तो आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से जो भी रैम रोम का वेरियंट लेना चाहिए आप ले सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर। उसके अलावा दोस्तों जो बैक साइड पे आपको कैमरे का जो मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाता है ना वो एक नया कैमरे का मॉड्यूल है। इससे पहले हमें ये डिज़ाइन जो है दोस्तों ये हमें Poco X3 GT के अंदर देखने को मिला था, और उसके बाद हमें ये Redmi 10 के अंदर ये एक नया डिज़ाइन कैमरे का देखने को मिला। तो दोस्तों ये एक अच्छा डिज़ाइन है, जो इसका मेन कैमरा दोस्तों वो कुछ 50 MP का आपको देखने को मिल जाता है, और प्लस आपको एक 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा, साथ में आपको 2 MP का एक मैक्रो और 2 MP का आपको एक डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। साथ में दोस्तों एक छोटी सी आपको एक LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है। तमाम जो चीज़ें हैं ये आपको एक ही कैमरा बम के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। कैमरा बम को आपको लेके बात करूँ तो स्क्रीन से दोस्तों ये थोड़ा सा आपको उठा हुआ बाहर आपको दिखाई देगा, लेकिन अगर आप केस लगा के रखेंगे तो इसके ऊपर किसी किस्म के कुछ स्क्रैचेज़ वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इस मोबाइल फ़ोन की मुझे एक अच्छी चीज़ लगी है कि अगर आप केस लगा के रखते हैं तो किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं आने वाला। प्लस दोस्तों इसके अंदर हमें एक 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देता है। इसके अंदर दोस्तों प्लस 18 W की फास्ट चार्जिंग है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स हमें जो चार्जर देखने को मिलता है वो कुछ 22.5 W का चार्जर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और प्लस दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन आपका कुछ 1.5 घंटे के अंदर ये मोबाइल फ़ोन आपका
0 to 100% जो है चार्ज हो जाता है, और अगर आप गेमिंग करते हैं दोस्तों तो ये आपका एक दिन बहुत आराम से गुजार देगा। अगर आप गेमिंग नहीं करते तो ये 2 से 2.5 दिन आराम से ये मोबाइल फ़ोन जो है गुजार देगा। फर्स्ट साइड पे आपको कुछ दोस्तों इसके अंदर कुछ एक सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है जो कि पंच होल के अंदर रखा गया है। अब ये जो सिंगल कैमरा दोस्तों इसकी जो इमेजेस है, इसकी जो क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये 8 मेगापिक्सल का आपको सिंगल कैमरा देखने को मिलता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो इंडोर के अंदर भी आउटडोर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। कैमरा की जो परफॉर्मेंस है वो आउटडोर इंडोर में हमें बैक साइड की भी फ्रंट साइड की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल कर आती है। कैमरे के अंदर हमें बहुत सारे अच्छे मजीद फीचर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों अगर आपसे मेरे ओपिनियन की बात करो दोस्तों तो मुझे ये डिवाइस जो है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी है। इस डिवाइस की जो लुक है वो सबसे ज़्यादा जो इसकी लुक है ना दोस्तों वही इसके आधे पैसे जो है वो पूरे कर देती है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन की जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। कहीं से भी देखने के अंदर आपको ये मोबाइल फ़ोन इस प्राइस का नहीं लगता। इस मोबाइल फ़ोन की जो ऑफिशियल प्राइस है वो 34,000 रुपये हो चुकी है, लेकिन जब मैंने लिया था उसकी प्राइस जो है वो 33,000 रुपये थी। अब इसकी प्राइस अभी रिसेंटली बढ़ा के 34,000 रुपये कर दी गई है 6GB 128GB वाले वेरिएंट की। तो अगर आप ये डिवाइस दोस्तों लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको डेफिनेटली इस डिवाइस के लिए रेकमेंड करूँगा। ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर देती है, प्लस दोस्तों इसके अंदर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो ये थी दोस्तों आज की मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अगले आने वाले वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको रस्म मानता है, अल्लाह हाफिज़।